नमस्कार, मैं हूं प्रियांक सौरभ और आप देख रहे हैं बिहारी डॉट न्यूज। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं वह शख्स जिनके बारे में आप ज़रूर जानते होंगे। वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ बैठी हैं नूतन चौधरी, जो कि पेशे से प्रोफेसर हैं और साथ ही साथ देश विदेश में जाकर छात्रों को, नौकरी पेशा वालों को, रोजगार वालों को, मतलब विभिन्न लोगों को उनके पेशा के अनुसार उन्हें शिक्षा प्रदान करने का काम करती है, उन्हें शिक्षित करती हैं। नमस्कार नूतन चौधरी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में और आज हम आपसे बात करेंगे। लाइव बातचीत हो रही है, हमारी जनता आपसे जुड़ी हुई है और आज हम लोग बात करेंगे वुमन एम्पावरमेंट पे, यानी महिला सशक्तिकरण पे। सबसे पहले हमारा सवाल है कि आखिर ये महिला सशक्तिकरण क्या है? क्या पुरुष और स्त्री में समानता ही महिला सशक्तिकरण है या कुछ और है? देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए पुरुष और महिलाओं में जो समानता है वह एक सिर्फ प्री रेक्विजिट है या पूर्व अपेक्षित है। महिला सशक्तिकरण, मेरे हिसाब से सशक्तिकरण, अगर इस शब्द को हम लोग लेते हैं तो सशक्तिकरण किसी के अंदर जो शक्ति है, किसी के अंदर जो स्किल है, उसको यूज़ करने की की क्षमता उसको प्रदान करना ही महिला सशक्तिकरण है। महिलाओं के मामले में महिला सशक्तिकरण हम तब पाएंगे, हम तब अपने आप को कहेंगे कि हम उसके अचीवर हैं, जब सोशल फ्रंट पे और फिनेंशियल इकोनॉमिक फ्रंट पे महिलाएं जो है वह अपने खुद के निर्णय लेने में सक्षम हों। तो महिला सशक्तिकरण पे आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं और इस दौरान आप भी सवाल कर सकते हैं। हमारी जो मुख्य अतिथि हैं नूतन चौधरी जी, प्रोफेसर हैं अमिटी यूनिवर्सिटी में और ये लेक्चरर हैं। और फिलहाल हमारा पर्सनल अपना एक सवाल है कि महिलाओं को हम सशक्त कैसे कर सकते हैं और एक सशक्त महिला की क्या परिभाषा होती है, हम ये आपसे जानना चाहते हैं। महिला को सशक्त करने का जो सबसे अच्छा और सबसे बड़ा साधन या जरिया है वह है एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसा टूल है जिससे हम महिलाओं को बहुत ही अच्छे तरीके से सशक्त कर सकते हैं। और एक सशक्त महिला मेरे नज़र में वह है हु टेक्स द चार्ज ऑफ हर लाइफ। वो जिम्मेदारियों को अपनाते हुए, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए अपने ज़िंदगी के हर पहलू में खड़ी उतरती है। तो एक सशक्त महिला वही है जो अपने सारे निर्णय खुद से ले सके और जहाँ तक उससे हो सके वह अपना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन भी समाज को, परिवार को, हर जगह प्रदान कर सके। महिला सशक्तिकरण के दौरान मतलब विभिन्न तरह के ऐसे भी कुछ होते हैं जो महिलाओं को छूट दी जाती है कि चलो भाई तुम्हें आज़ादी है, तुम ऐसे कर सकते हो, लेकिन समाज में इसका गलत संदेश भी लोग फैलाते हैं, बोलते हैं ये गलत है, वो गलत है, तो इस चीज़ से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? देखिए, यह तो मानसिकता बदलनी होगी हमें और यह किसी एक के करने से या किसी एक दिन में यह संभव भी नहीं है। इसके लिए जो है वो मास लेवल पर कैंपेन्स करने होंगे, मास लेवल पर लोगों को जागरूकता जगानी होगी और महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनको सामने उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा। तो यह किसी एक के करने से नहीं होगा, महिलाओं के द्वारा ही नहीं बल्कि इसमें बहुत बड़ी भूमिका पुरुषों की भी है। और मुझे लगता है कि जब महिला और पुरुष अपने जेंडर को ध्यान में ना रखकर, बस एक अगर इंडिविजुअल अपना जो उनका जो व्यक्तिगत सोच है उसको ध्यान में रखकर यह समाज में समाज के लोगों को प्रेरित करें कि अगर आज महिलाएं आगे आती हैं तो उससे हमारा सिर्फ और सिर्फ विकास ही होगा, तो मुझे लगता है कि यह किसी एक के करने से नहीं, अभी मास अवेयरनेस की ज़रूरत होगी इसमें और सबको सामने आना होगा और एक दृढ़ निश्चय करना होगा। नूतन जी, जैसा कि हम आप जान रहे हैं हम आपके बारे में कि आप विभिन्न जगहों पर जाती हैं, एक सेमिनार आयोजित किया जाता है जहां पे आप प्रशिक्षण प्रदान करती हैं, तो ऐसे बहुत सारे शिक्षण संस्थानों में आपने लोगों का मार्गदर्शन किया है, क्या आपको कभी ये महसूस हुआ कि महिला सशक्तिकरण के माध्यम से जो सरकार विभिन्न तरह की जो प्लानिंग करती है, तरह तरह की योजनाएं बनाती है, तो वो सक्सेस हो रहा है
या उसमें अभी भी कुछ कमी है? नहीं, बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आज महिला दिवस हम लोग मना लेते हैं और सेमिनार हॉल्स में और बड़ी बड़ी बातें भी हो जाया करती हैं, लेकिन आज भी बहुत हद तक हम यही कहेंगे कि मतलब वास्तविकता के धरातल तक बातों को लाने में और भी बहुत ज़्यादा मतलब कार्य करना बाकी है, कार्य करना होगा। और जी हाँ, मैं अभी पिछले दिनों मैं मध्य प्रदेश गई थी, वहाँ पर एक मैं विद्यालय में टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए गई थी, तो जो वहाँ की प्रिंसिपल थी उन्होंने मुझसे आके मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि मैं चाहती हूँ कि मेरी लड़कियों को आप एक स्पेशल 2 घंटे का एक सेशन दें जिससे कि हमारी लड़कियों को पता चले। तो मैंने देखा, मुझे पहले थोड़ा लगा कि मैं बच्चियों से मैं क्या बात, ओवरकम करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। तो निश्चित तौर पे अगर मतलब थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाए तो न सिर्फ पेपर्स पे वास्तविकता में भी ये जो प्लान्स हैं जो सरकार में बनते रहते हैं उनको मतलब उनके सही फ़ायदे जो हैं इन लड़कियों को, हमारी बच्चियों को मिल पाएगा। चलिए, आप बहुत ही बेहतर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही हैं और महिला सशक्तिकरण के माध्यम से आप बहुत ही ज़्यादा बेहतर काम कर रही हैं। एक सवाल और है कि आजकल महिलाएं भी काम कर रही हैं पुरुष की तरह, महिलाएं भी ऑफिस करती हैं, तरह तरह के जो मतलब बाहरी कामकाजों में भी रुचि ले रही हैं, तो एक प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी महिला और साथ साथ वो घरेलू कामों को भी करती हुई जो वो दोहरी जिंदगी जीती है, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे कि इस संबंध में अगर इस माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए कोई और बेहतर कदम उठाया जा सकता है कि वो वैसी महिला जो दोनों तरह का काम करती है और उस दोहरी जिंदगी का शिकार है, तो वो कैसे महिला सशक्तिकरण के लिए एक बेहतर उदाहरण बन सकती है? दोहरी जिंदगी तो मेरे हिसाब से आज हर महिला जी रही है जी। अगर इवन अगर वो एक हाउसवाइफ है तो भी आज की महिलाओं का जो योगदान है वो सिर्फ खाना बनाने और किचन तक नहीं सीमित रह गया है। आज उनकी भागीदारी जो है वो अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा को सुनिश्चित करने में है, उनके हस्बैंड के इन्वेस्टमेंट प्लान्स में है, हर तरह से वो जो है अपनी भागीदारी दे रही हैं। और जो महिलाएं बाहर आ रही हैं, निश्चित तौर पे मतलब हैट्स ऑफ टू देम कि उन्होंने बहुत सारी मिथ्स को झुठलाकर और घर की अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए और वह बाहर भी उतने ही अच्छे से, उतने ही ऑर्गेनाइज तरीके से वो काम कर पा रही हैं। तो मुझे लगता है कि यह एक बहुत बड़ा, वैसी महिलाएं एक नेशन के ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान कर रही हैं। ये सिर्फ उनके इंडिविजुअल, वो अपने पारिवारिक अपने परिवार को की मदद तो कर ही रही हैं, मेंटल लेवल पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर, सोशल लेवल पर और इवन नेशन के ग्रोथ में भी उनका बहुत बड़ा योगदान हो रहा है। नितिन जी, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़ गए हैं, उनका सवाल आने शुरू हो गए हैं, आप जैसा कि देख रहे हैं। तो सबसे पहले कीर्ति सिंह का एक सवाल है, इवन आफ्टर 70 इयर्स ऑफ फ्रीडम व्हेन सेफ्टी इज स्टिल द बिगेस्ट प्रॉब्लम? येस, आई थिंक दैट सेफ्टी इज स्टिल द बिगेस्ट प्रॉब्लम, बट आई थिंक दैट अगेन वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर सेल्व्स। सेफ्टी, हमें कुछ प्रिकॉशंस लेकर चलना होगा क्योंकि कुछ जो परिवर्तन है वह भगवान ने बनाकर भेजा है हमारी शारीरिक संरचना में या बहुत सारे हमारी शक्ति में, हमारी शारीरिक शक्ति में। और यह हमें भी, मुझे यह कहते हुए बहुत गर्व महसूस कर रहा है कि महिलाएं कोमल ज़रूर हैं लेकिन कमज़ोर नहीं हैं। तो उनको कुछ प्रिकॉशंस लेकर चलते हुए, लेकिन मुझे लगता है कि यह सेफ्टी, अगर वो खुद स्ट्रांग रहें तो यह सेफ्टी उनको कभी भी मार्ग में अवरोधक नहीं बनेगा। तो समय यह है कि हर माता पिता, हर सास ससुर अपनी बेटियों को और अपने बहुओं को इतनी ज़्यादा उनकी मदद करें ताकि उन्हें लगे कि अगर रास्ते में कभी कहीं अगर कोई ऐसी मुश्किल आन भी पड़े तो वो सक्षम होनी चाहिए उस मुश्किल से निपटने में। चलिए, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, वो हैं सूरज जैन, जिनका सवाल, इज हाउस होल्ड वर्क इज ओनली फॉर वुमन? नो, नॉट एट ऑल। अगर बाहर के जो काम हैं वो अगर सिर्फ मेल्स के नहीं रह गए हैं तो जाहिर सी बात है कि हाउस होल्ड वर्क भी कभी भी सिर्फ वुमेन के लिए नहीं होंगे। और आज मुझे लगता है कि बहुत बदलाव आया भी है, बहुत मतलब आप देख सकते हैं कि आज जो है वो पुरुष भी बहुत अपने दैनिक कार्यों में चाहते हैं कि वो अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी पत्नी का सहयोग करें।
तो यह बिल्कुल भी नहीं है कि हाउस होल्ड वर्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ महिला, और मुझे लगता है कि इसके लिए न सिर्फ हमें अपनी बेटियों को, बहुत बार यह होता है कि यह बात हम अपने परिवार में ही शुरू से ही बच्चों के दिमाग में डाल देते हैं कि अगर आप बेटी हैं तो आपको घर के काम करने होंगे, और अगर आप, और बहुत बार इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हम बच्चों को यह शिक्षा दे देते हैं कि अगर आप लड़के हो तो मतलब आपको आपको घर के काम से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान को, अगर आज मेरा बेटा बाहर जाएगा तो शायद उसे भी बहुत सारी अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी होंगी, तो यह बहुत ज़रूरी है। या कल की उसकी पत्नी आएंगी, वह भी पढ़ी लिखी होंगी, उनकी भी उनका भी कोई काम होगा। तो मुझे लगता है कि माओं को यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि वो अपने बेटे और बेटियों को यह बताएं कि घर की जिम्मेदारी अकेले लड़कियों की नहीं है। ग्रामीण परिवेश में अभी भी इस तरह की मतलब ये रखा जाता है विचार कि अरे पुरुष अगर कुछ भी घर का काम करता है तो थोड़ा सा उसको हे दृष्टि से देखा जाता है। तो इस तरह की विचारधारा को कैसे बदल सकते हैं ताकि महिला सशक्तिकरण को और भी मजबूती प्रदान की जा सके? उन महिलाओं को यह बात कन्विंस करना होगा कि आज अगर मैं घर से बाहर निकली हूँ, अगर मैं अपने पति के कामकाज में, उनके आर्थिक में मैं अगर मदद कर पा रही हूँ तो उनका भी पूरा फ़र्ज बनता है कि वह भी हमारी मदद करें। तो मुझे लगता है कि यह थोड़ा सा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, लड़कियाँ अगर चाहें वो समझा पाएँ। देखिए, मैं समझती हूँ कि संवादहीनता जो है वह सबसे बड़ा जड़ है, और अगर महिलाएं जो हैं, लड़कियां जो हैं खासकर, वो अगर एक अपने फ्रेंड को, अपनी माँ को एक मित्र समझें, अपनी किसी फ्रेंड को यह सारी बातें बताती रहें, संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। तो अपनी बातों को बहुत अच्छे से रखने का हुनर अगर लड़कियों में आ जाए तो शायद वो कन्विंस कर पाएँ अपने पेरेंट्स को, अपने इन लॉज को कि नहीं, यह सिर्फ अकेले का मतलब हमारा काम नहीं, और अगर पुरुष काम कर रहे हैं घर में तो इसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि यह कोई है दृष्टि से देखा जाने वाला काम। ग्रामीण परिवेश में ऐसा हो जाता है, इसलिए हमारा सवाल आया। और एक सवाल मेरा आ रहा है यहाँ पे कि चलिए महिला सशक्तिकरण के लिए तो सरकार भी बहुत तरह की बातें करती हैं, और महिला मोर्चा भी, महिला मोर्चा सब सड़क पर भी उतरती हैं कि कहीं भी महिलाओं के साथ अगर भेदभाव होता है तो। अभी जैसा कि देखते हैं कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सबसे बड़ा अगर रोड़ा बनता है तो वह है दहेज प्रथा, जिसके लेकर सरकार ने विभिन्न तरह का योजना भी बनाया है, कानून भी बनाया, और इस कानून को जो डाउरी एक्ट के रूप में आता है, इसका महिलाओं ने कई बार गलत फायदा भी उठाया है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे कि जिसकी वजह से जो निर्दोष पुरुष मतलब फंस जाते हैं इस एक्ट के मतलब वजह से, तो इस संबंध में क्या यहाँ पे तो महिला सशक्तिकरण भले ही हो रहा है लेकिन कुछ ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से पुरुष इसके शिकार हो जाते हैं, तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम से बड़ा कोई ही उत्तर नहीं है किसी भी चीज़ का। नफ़रत को हम नफ़रत से नहीं जीत सकते हैं, हम सिर्फ प्रेम से जीत सकते हैं। अगर हमें किसी पर जीत हासिल करनी है तो मुझे लगता है कि यह एक मतलब नैतिकता से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि हम अपनी मानवीय संवेदनाओं को शायद भूलते जा रहे हैं। अगर, और मुझे यही, आपने सही कहा कि बहुत सारे पुरुष भी और कुछ महिलाएं हो सकता है इसका मतलब फ़ायदा भी उठाती हैं, तो मुझे लगता है कि यह नैतिकता से जुड़ा हुआ प्रश्न है और बहुत ही ज़मीनी स्तर पर इसके लिए जो है वह मतलब काम करना होगा, ताकि उन्हें यह पता चले कि हमारा जो कल्चर है उसकी क्या वैलिडिटी है, और यह जो शादियां हैं ख़ास के हमारे समाज में, हमारे भारत देश में, हमारी जो संस्कृति है, यही तो पूरे विश्व का मतलब पूरे विश्व में इसकी चर्चा होती है। तो मुझे लगता है कि प्रेम से किसी पर भी विजय प्राप्त किया जा सकता है, और यही होना चाहिए कि छोटे छोटे झगड़े हुए और तुरंत हर किसी, इवन हर जगह झगड़े तो बहुत बहुत आम सी बात है, कहते हैं दो बर्तन भी साथ में होता है तो वो आवाज़ करता है, तो उसको इतना ज़्यादा तोल नहीं देना चाहिए कि वो उस जगह तक जा पाए, और जहाँ झुकने से काम बन जाए तो वहाँ झुक जाना चाहिए, चाहे वह झुकना महिला का हो चाहे वह झुकना पुरुषों का, किसी को झुक के चलना चाहिए। लेकिन ऐसा अक्सर होता है कि मतलब महिला सशक्तिकरण के कानून का डर दिखा के हमेशा पुरुषों को दबा दिया जाता है, ऐसा मतलब देखने को मिलता है। हालांकि चलिए, ये तो एक हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुकी थी, हालांकि हमने उनका प्रश्न नहीं ध्यान दिया था, अभी मैं देख रहा हूँ। गरिमा तिवारी हैं, वाई वी कंसीडर्ड वुमेन वीकेंड एंड मैन,
क्या कहना चाहेंगे वुमेन को, व्हाई वी कंसीडर वुमेन वीकर द मैन, वीकर देन मैन? वीकर तो बिल्कुल, मैंने तो अभी कहा कि कोमल हैं लेकिन कमजोर नहीं है, तो बिल्कुल ही नहीं है, कंसीडर करें। और ये आप बहुत ही मतलब सृष्टि को जन्म देने की शक्ति है हम में, तो हम कैसे कमजोर हो सकते हैं? तो नारियां कमजोर बिल्कुल नहीं है, कोमल है। कुछ शारीरिक स्तर पे जो है वह ऊपर वाले के ही द्वारा बनाया हुआ है वह संरचना है, जिसकी वजह से फिजिकल स्ट्रेंथ हमारा भले ही कम हो लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ जो है हमारा वह फिजिकल स्ट्रेंथ पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है। तो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है, महिलाएं बहुत ही मजबूत हैं। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हम बराबरी की बात, आपने भी जब अपना प्रश्न शुरू किया तो जेंडर इक्वलिटी की बात की, तो मुझे तो लगता है कि इक्वलिटी की बात ही नहीं होनी चाहिए। महिलाएं तो उस बहुत कई मामले में जो है वो पुरुषों से बहुत आगे हैं। तो क्योंकि सृष्टि की निर्माता जो है वो महिलाएं ही हो सकती हैं, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है गरिमा जी, हम लोग बहुत मजबूत हैं। और यह बस हमें मतलब खुद पे पहले भरोसा दिखाना होगा गरिमा जी, अगर हम खुद पे भरोसा करेंगे तभी दूसरे हम पर भरोसा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं उनको उनके मन के हिसाब से जवाब मिल रहा है। नूतन चौधरी अपना पूरा भरपूर जवाब दे रही हैं। और एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि हमेशा हम एक समानता की बात करते हैं कि पुरुष और स्त्री में समानता होनी चाहिए और तभी महिला सशक्त हो पाएगी, और इसको लेकर तरह तरह के आंदोलन भी चलते हैं, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन इसके लिए भी कुछ तो लाइन होगी जो समाज में अभी भी माना जाता है। बहुत तरह के ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो महिलाओं के लिए एक निश्चित सीमा रेखा तय की जाती है, तो उसका भी ख्याल रखना महिलाओं के लिए कितना आवश्यक है और यह सामाजिकता को कितना मतलब हमारे समाज को कितना प्रभाव इस पर पड़ता है, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए मैंने अपने देश की बात की, भारत के संस्कृति और सभ्यता की बात की। एक महिला जब घर से बाहर निकलती है तो वो अकेले बाहर नहीं निकलती है, उसके साथ होती है उसके परिवार की मर्यादा, उसके साथ होती है उसके परिवार की इज्जत। तो जब हम बाहर निकलते हैं, और आज माँ बाप अगर डर रहे हैं तो उनका डर भी बहुत जेन्युइन सा डर है, तो अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो यह सुनिश्चित करना हमारा काम है कि हम जो सभ्यता संस्कृति घर से बाहर लेकर निकले थे, जब हम घर वापस जाएं तो वह उसके साथ ही वापस जाएं। तो यह सुनिश्चित करना, और अगेन यहाँ पे सिर्फ महिलाओं नहीं, इसमें पुरुषों की भी भागीदारी बहुत, हम बेटा बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले की बात कह रही हूँ कि मैं पटना में एक निजी संस्थान में अपने बेटे को लेकर जाती थी, तो मैं रोज़ जाती थी और उसको फिर लाने के लिए भी जाती थी, तो कुछ महिलाएं जो आती थीं अपने बच्चों को, और भी महिलाएं थीं कुछ, वो सारी जो है वो बातचीत होती थी उस समय में रुकने के दौरान। तो उनमें से एक किसी ने कहा कि बहुत मुश्किल है आजकल बेटियों को पढ़ाना, इतना मेहनत करना पड़ता है क्योंकि हमें खुद आना पड़ता है, समय बहुत ख़राब हो गया है। तो हमने कहा बिल्कुल सही है, मैं भी उनके सुर में सुर मिला रही थी। कुछ देर बाद वो लोग पुत्रियों की माँ थी, और मेरा बेटा आया जब बाहर, तो वो मेरे ऊपर हंसी कि आप अपने बेटे को लेकर बाहर आती हैं साथ में, तो उन्हें बहुत हंसी आई। मैंने कहा क्यों? तो अरे हमारी तो बेटियां हैं, इसलिए हम आते हैं उनको छोड़ने और ले जाने, बेटा होता मेरा बेटा तो ऐसे ही जाता है, मैं तो कभी उनके साथ में। तो मैंने उनसे यही कहा कि बेटा नहीं सुधारोगे तो बेटी कैसे बचाओगे, और बेटी नहीं बचाओगे तो बेटा कहाँ से पाओगे। परफेक्ट लाइन आपने भी कहा है। अभी देश की स्थिति कुछ ऐसे ही चल रही है जैसा कि हम देख रहे हैं वर्तमान समय में। बहुत ही दुख होता है जब दुष्कर्म जैसी समस्याएं बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और छेड़खानी का मामला बढ़ता जा रहा है, भले ही सरकार इस पर कठोर से कठोर कानून लागू करते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लेके हमारा समाज और लोगों का सोच और कुछ स्तर पर लोगों की कह सकते हैं कि बाहरी माहौल का भी इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने की वजह से ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। तो हर किसी को इस बात का ख्याल रखना होगा कि अगर हम किसी भी महिलाएं पे अगर बुरी नज़र डालते हैं तो उनका भी अपना एक परिवार है जिसके साथ उनकी इज्जत जुड़ी हुई है। चलिए अभी हम आप सुन रहे हैं नूतन चौधरी को, देख रहे हैं, उनसे बातचीत करें महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर। आप भी अपना सवाल उनसे डायरेक्ट लाइव पूछ सकते हैं। एक सवाल मेरे मन में आता है कि समाज में हमेशा महिलाओं को, अभी जैसे हम लोगों ने बात की
इसके लिए मतलब जैसे हम लोगों ने अभी बात की कि जो देश में भी समस्याएं चल रही है या बेटा को लेकर और बेटी को लेकर जो असमानताएं चल रही है, तो इसके लिए जैसे कि आजकल महिलाओं की जो छेड़खानी का मामला बढ़ गया है, तो इस मामले में उसके ड्रेस को लेके भी तरह तरह का व्यंग किया जाता है कि उसके ड्रेस की वजह से ऐसा हो रहा है, तो आप किसको जिम्मेदार मानती हैं, मुख्य रूप से जिम्मेदार आप किसको मानती हैं? मुख्य रूप से जिम्मेदार सिर्फ मानसिकता है, इल मेंटालिटी। अगर मेंटालिटी सही हो तो आप, हम पश्चिमी देश को इस मामले, अगर अच्छी बातें कहीं से भी सीखनी चाहिए तो पश्चिमी देश में जाके देखें तो इस बात से किसी को भी बहुत कम फर्क पड़ता है कि कौन किसने क्या पहना है। लेकिन एक बात और भी मैं यहाँ ये करना चाहूँगी कि जिस प्रकार अभी यही बात मैंने अपने उस वर्कशॉप में भी कही बच्चियों से, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही सवाल उठाया था, तो मैंने उनसे कहा कि हमें अगर अपने आप को यह दिखाना है कि हम कितने सशक्त हैं तो उसके लिए हमें अपने स्किल पर ज़्यादा काम करना होगा, और इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन एनीथिंग एल्स हमें अपने अपने हुनर को बढ़ाना होगा। और हुनर है तो कदर है, अगर आप हुनर, आपके अंदर में हुनर है तो आपकी कहीं भी कदर है। तो मुझे लगता है कि माँ पिता जो हैं उनको अपने बच्चे को बचपन से यह शिक्षा देनी चाहिए, चाहे बेटी हैं या बेटा है, कि किसी के भी का भी जो ड्रेस है वह उसकी पर्सनालिटी का कंप्लीट पैरामीटर नहीं है। तो बिल्कुल कुछ आप उसके ड्रेसिंग स्टाइल से हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं तो बहुत कुछ अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है, लेकिन यह ड्रेस उसके कंफर्ट और उसके लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है या उसका व्यक्तिगत मामला है कि कौन क्या पहने, तो मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ मेंटालिटी, चेंज ऑफ मेंटालिटी ही जिम्मेदार है। सबसे बड़ा मैटर यहाँ पे मानसिकता का है, जैसा कि नूतन चौधरी बता रही हैं कि समाज में जो अभी एक घृणित व्यवस्था चल रही है कि मतलब तरह तरह की जो घटनाएं घट रही है और हमारे समाज को कलंकित कर रही है, तो इसके पीछे किसी और भी चीज़ का मतलब हम कहें कि कारण हो या ना हो, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ है वो है मानसिकता। सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा, तभी हम एक सभ्य और सुरक्षित समाज का कल्पना कर सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे नूतन चौधरी को, और अब एक लास्ट सवाल हम करना चाहेंगे नूतन चौधरी जी से, कि सवाल नहीं बस यूं ही आप हमारे दर्शकों को, महिला दर्शकों को और वैसे लोगों को जो महिलाओं को हर मामले में कमतर आंकते हैं, तो उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप, कुछ उन्हें कहिए? महिलाओं को मैं बस यही संदेश देना चाहूँगी कि यह तो हमारे नियति में है, यह तो हमारे नेचर में है, प्रकृति में है कि हम देने में विश्वास करते हैं, हम सबके लिए जीने में विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वक्त ज़रूर अपने लिए निकालें। अगर आप दूसरों के लिए भी सोच रही हैं तो अपने लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा वक्त चुराएँ अपने लिए, अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ काम ऐसे करें जो सिर्फ आपके लिए हो और वो आपको खुश करे। जब आप खुश रहेंगी तभी आपके आसपास के लोग खुश रहेंगे। आपके पास जो होगा वही तो आप देंगी, अगर खुशी होगी तो आप खुशी बांटेंगी, और अगर गम होगा तो गम ही किसी न किसी तरह से वो रिवील होगा। तो आप ज़रूर करें, सबका ख्याल रखें, सबके लिए सोचें, अपने परिवार के लिए, इस समाज के लिए, लेकिन कभी थोड़ा, हर दिन थोड़ा सा वक्त अपने लिए ज़रूर चुराएं, ताकि वो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन देगा आपको। और जो बहुत सारी महिलाएं अवसाद ग्रस्त हो जाती हैं, इन सब का वजह यही है कि मतलब वो अपने लिए जीना जानती ही नहीं हैं, तो हर चीज़ में प्रायोरिटी उनके लिए उनकी फैमिली होती है, उनके घर के और लोग होते हैं या समा, तो अपने लिए जीना सीखो और देखो कि दुनिया और ये ज़िंदगी कितनी हसीन है। गृहस्थ जीवन में भी इसका बहुत सारा प्रभाव पड़ता है, जब महिलाएं घर के चौखट को लांघ कर बाहर निकलती हैं कुछ कर गुजरने को, जब वो बेहतर करना चाहते फिर भी समझदार होने के बावजूद भी एक लोगों में ये आ जाता है, मन में ऐसी द्वेष भावना आ जाती है, और उसका प्रभाव हमारे परिवार पे पड़ता है, गृहस्थ जीवन पे पड़ता है। वैसे पतियों के लिए आप क्या कहेंगे? वैसे पतियों के लिए गृहस्थ जीवन से अगर आपको बैलेंस से आपका मतलब है, तो मैं बस यही कहूँगी कि जिस प्रकार वो आज एक पुरुष जब बाहर जाते हैं तो वो जब वापस आते हैं तो उनकी पत्नी होती है उनका सारा ख्याल करने के लिए, मतलब उनकी हर जितनी भी ज़रूरतें हैं वो सारी ज़रूरतें पूरा करने के लिए। ठीक उसी तरह से जब महिलाएं जाती हैं तो महिला की जो घर की जो जिम्मेदारी है वो तो कहीं नहीं जाती, वो तो रह ही जाती है, ऊपर से बाहर की भी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। तो हमें थोड़ा सा यह ज़रूर सोचना पड़ेगा कि
मतलब ये काम अगर वर्किंग आवर है तो वर्क प्लेस पे तो ऐसा कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है कि आप महिला हैं तो आपको थोड़ा कम काम करने दिया जाए और पुरुष है तो थोड़ा ज़्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो आपके कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए आगे बढ़ी हैं, वो अगर बाहर बढ़ी हैं तो शायद आपका, आप के लिए वो एक सशक्त माध्यम होंगी, वो आपकी हर जगह जो है वो सहभागिनी होंगी, हर खुशी में हर गम में आपके साथ होंगी, और आपके ऊपर कभी भी कोई आँच आए तो वो पहले होंगी, वो सबसे पहले जो है वह उस गम को पहले अपने ऊपर लेना चाहेंगी। तो उन्हें ज़रूर, और आज बदलाव आया भी है, आज बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि आज बहुत सारे, मैं देखती हूँ मैं जहाँ काम भी कर रही हूँ वहाँ भी मुझे लगता है कि मैं एमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ तो वहाँ भी मैंने देखा है कि हमारे पुरुष सहकर्मी, हमारे जो डायरेक्टर हैं, वाइस चांसलर है, वो सब, सभी का बहुत ही योगदान रहता है हमारे काम को करने में, और बहुत ही मतलब प्रेशर फ्री माहौल बनाया जाता है। तो बदलाव आया है, लेकिन ये इसी तरह की एग्जाम्पल सेट करके हर जगह जो है वो चेंज और ज़्यादा डोमिनेंट हो, उसके लिए थोड़ी और मेहनत। हमारे एक और दर्शक का सवाल आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन सवाल, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, सिमरनजीत सिंह सासाराम से, वो पूछ रहे हैं कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में महिलाओं की आबादी के अनुरूप भागीदारी मिलनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल मिलनी चाहिए, बिल्कुल भागीदारी मिलनी चाहिए, क्योंकि वही मैंने कहा कि देखिए कम से कम तीन लेवल पे तो भागीदारी मिलनी ही चाहिए। एक है एजुकेशनल लेवल, उनको शिक्षित, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन सबके लिए है। हमारे संविधान में जो प्रावधान है उसके अनुसार कभी भी कोई डिस्पैरिटी नहीं की जाती है महिलाओं में और पुरुषों में, तो फिर हमें कोई हक नहीं बनता उस डिस्पैरिटी को तूल देने का। तो हर एजुकेशनल स्टेज पे, इकोनॉमिकल स्टेज पे और पॉलिटिकल स्टेज पे उनकी भागीदारी बिल्कुल होनी चाहिए। बहुत बहुत सिमरनजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नूतन चौधरी ने जो जवाब दिया है, मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अभी आप देख रहे थे नूतन चौधरी को, जो विभिन्न मुद्दे पर महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे, आपके सवालों का जवाब दे रहे थे। मैं प्रियांक सौरभ, bihari.news से एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें, और बिहार के निष्पक्ष एवं ताज़ा खबरों के लिए हमारे वेबसाइट bihari.news को विज़िट करें। शुक्रिया।